सामने के बाल भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लगाए हुए हैं। आपने पहले एक बार हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ था? जी सर, 2018 के करीब कराए थे। अच्छा, कहाँ से कराया था? पुणे से। मतलब 5 साल पहले? जी। तो सामने सामने वाला एरिया कराया है? जी। अच्छा, हेयरलाइन कैसी लगी जो उन्होंने बनाई हुई है? सर, हेयरलाइन तो पूरी स्ट्रेट कर दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल सीधी लाइन जैसी खींची हुई है। जी जी, उन्होंने कहा सेकंड सेटिंग में आने के लिए तो उसमें ठीक करेंगे, तो फिर वहाँ जाने का फिर हिम्मत नहीं हुआ। सामने के बाल भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लगाए हुए हैं। डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल ग्राफ्स लगे हुए हैं। जी सर। है ना, और बिल्कुल सीधी लाइन बना रखी है ऐसी, जबकि होनी चाहिए थोड़ा सा कर्व्ड ऊपर की तरफ। तो अननेचुरल दिखता है, पहचान में आ जाता है? जी जी, कोई भी लगता है तो बोलता है कि कहीं से कराया हुआ क्या कुछ। अच्छा, अजीब लगता है फिर, खराब लगता है। जी। पीछे घूम जाइए जरा, एक बार देखिए जरा पीछे क्या कंडीशन है। अभी तो खैर पीछे जो FU उन्होंने किया बहुत पास पास में कर लिया ऐसा लगता है, और बहुत सारा डोनर खराब हो गया है ऐसा लग रहा है। जैसे ये नीचे का अगर अपन देखें तो बहुत सारे गड्ढे हो रखे हैं इसने, अनसेफ एरिया से भी लिया हुआ है, जैसे यहाँ नीचे से भी लिया हुआ है। सेफ एरिया तो इतना ही होता है। अभी तो आपका स्ट्रिप लिया है, कोशिश की है इसमें से ज़्यादा ग्राफ्स निकालें। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? डटान हो जाइए वापस। अभी हेयरलाइन भी आपकी है ना, करेक्ट करेंगे, हेयर निकाल के पीछे लगाएंगे और डिज़ाइन ठीक करेंगे, ठीक है? यहाँ से आपके ना कुछ पुराने हेयर थे, गलत डायरेक्शन में पैटर्न थे, वो सब निकाले। बियर्ड से भी हेयर नहीं है? जी जी। पीछे से यहाँ से बियर्ड से एफयू करके हेयर निकाले। और पीछे से यहाँ से मेजोरिटी ऑफ हेयर पीछे से स्ट्रिप से निकाले हैं, और फिर सेफ एरिया से कुछ FU के निकाले, ज्यादा नहीं, क्योंकि पहले ही FU से ओवर हार्वेस्ट हो रहा था। ठीक है, प्लान ये है कि फ्रंट में जो डिजाइन ठीक करें, नेचुरल हेयर लाइन बनाए, और कब जी हम मिड स्कैल्प तो ठीक से उसको फिल कर लें जिससे वो नेचुरल। तो अभी अपन स्लिट बना रहे हैं। स्लिट बनाते टाइम ये बहुत ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर एंगल डायरेक्शन और पैटर्न रहे हेयर के डायरेक्शन की। जैसी स्लिट होगी वैसे ही बाहर हेयर आएगा उसी डायरेक्शन एंगल में। तो डिजाइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्लिट मेकिंग। स्लिट मेकिंग हमेशा एक्सपीरियंस सर्जन को ही करना चाहिए जो आर्टिस्टिक स्किल्स में बहुत अच्छा हो, क्योंकि अगर ये आर्टिस्टिक तरीके से नहीं होगा तो डिजाइन अच्छा नहीं आएगा और नेचुरल नहीं दिखेगा। आपका करेक्शन हेयर ट्रांसप्लांट किया है अपन ने, जिसमें ना सामने से हेयर निकाले हैं। ये बहुत सारे एरिया जहाँ पे गलत लगे हुए थे यहाँ से निकाल दिए हैं, और पीछे की तरफ प्रॉपर एंगल डायरेक्शन से लगाए हैं। नीचे देखिए, थोड़ा पीछे तक भी कवर किया है। पीछे घूमिए जरा। अब इम्पोर्टेंट जो है सबसे कि अपन ने स्ट्रिप लिए जो सेंटर मोस्ट एरिया से आई है, जिससे परमानेंट हेयर आएंगे, और FU बहुत कम किया है क्योंकि पहले ही FU हो रखा था। ऊपर दिखाइए, बियर्ड से जो हेयर लिए यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, सर नॉर्मल लग रहा है।